तो एज यूजुअल एग्जाम्पल कैलकुलेट करने का फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया था कि लाइव अब बैलेंस शीट पूरा रीड कर लेंगे हम, और कौन से अमाउंट कौन से एक्टिविटीज़ में लिखनी है वो सबसे पहले हम स्पेसिफाई कर लेंगे क्वेश्चन में। उसके बाद एडजस्टमेंट एक मार्क कर लेंगे, देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फर्स्ट देखो यहाँ से वन बाय वन कंटिन्यू करते कि सबसे पहले यहाँ पर देखो द इक्विटी शेयर कैपिटल, तो दैट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो लिख देते वहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का एफ, वेट ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट है दैट इज़ लॉन्ग टर्म लोन, तो लोन भी लॉन्ग टर्म होगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, तो देखो वहाँ पे भी लिख दिया दैट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का एफ। उसके बाद है दैट इज़ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो दोनों स्टूडेंट क्या है दैट इज़ करंट लाइबिलिटीज़। और करंट लाइबिलिटीज़ हम लिखते ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, तो ओ लिख देते वहाँ पे दोनों जगह पे। रिटेन अर्निंग, तो मैंने आपको बताया था रिजर्व सरप्लस प्रोविजन ये सब कुछ कहाँ पे लिखते हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, तो यहाँ पे भी लिख देते ओ। नेक्स्ट उसके बाद देखो कैश, तो कैश हम कहीं पे लिखते नहीं है, लास्ट में लिखते हैं जब हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर टैली करने के लिए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे लास्ट वाले स्टेप में हम लिखते थे दैट इज 60,000 एंड 30,000, तो एज अ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिख देते यहाँ पे देखो, वेट यहाँ पे आपका 60,000 ओपनिंग बैलेंस दिया है प्रीवियस ईयर का, और 30,000 करंट ईयर का बैलेंस दैट इज़ योर क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पे लिख देते 30,000। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 30,000 माइनस, तो लिख दे हमने यहाँ पे। उसके बाद देखो दैट इज स्टॉक, तो करंट असेट्स से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे। उसके बाद है देखो डेटर्स, तो वंस अगेन करंट असेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। गुडविल, तो गुडविल में दो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी आ सकता है एज वेल एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी आ सकता है, तो डिपेंड्स कि गुडविल परचेज होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, गुडविल रिटर्न ऑफ है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो परचेज और रिटर्न ऑफ कैसे पता चलता है, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर के कंपेरिजन कर। तो देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना दैट इज 80,000, सॉरी प्रीवियस ईयर का बैलेंस है दैट इज 2 लाख, और करंट ईयर का बैलेंस कितना है 1,50,000। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर गुडविल रिटर्न ऑफ हुई तो हम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तीनों क्या है दैट इज फिक्स असेट, और फिक्स रिलेटेड सारी बातें हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीनों जगह पे लिख देते आई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। देखो बैलेंस शीट रीड कर लिया हमने पूरा, और फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज स्पेसिफाई कर लिया। अभी हम क्या करने वाले, एडजस्टमेंट टिक मार्क करेंगे। तो फर्स्ट वाला देखो एडजस्टमेंट क्या है दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन रुपीज 80,000 एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल रुपीज 50,000। देखो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करना है वो आपको नहीं दिया, 80,000 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, क्या लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या इंक्लूड है डेप्रिसिएशन 80,000 इंक्लूड है, और वो कौन सी फिक्स एसेट पे चार्ज हुआ है वो आपको यहाँ पे गिवन नहीं है। देखो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तीनों में से कोई भी हो सकता है यहाँ पे 80,000 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया वो, पर किस पे दिया है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है, पर वो इनडायरेक्टली हम फाइंड आउट करेंगे जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब। तो अभी आप क्या देखो कि गुडविल यहाँ पे दिया है 50,000, और गुडविल का अमाउंट आपको बैलेंस शीट में भी दिया है, तो यहाँ पे गुडविल जो है वो टिक मार्क कर लेते हैं, ये गुडविल को देखो यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं उसको। ओके उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है एडजस्टमेंट नंबर टू, अ मशीन हैज बीन सोल्ड फॉर रुपीज 15,000, द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज रुपीज 40,000 एंड रुपीज 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द सेम। तो एडजस्टमेंट अभी हम बाद में डिटेल में सॉल्व करेंगे, पर अभी एडजस्टमेंट किसके रिलेटेड है, मशीनरी रिलेटेड दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी वाला जो अमाउंट है वो थोड़ा हाईलाइट कर लेते यहाँ पे। नेक्स्ट के बाद देखो वंस अगेन प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट दिया है, प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज इन कैश रुपीज 1,40,000
एंड लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ₹2,60,000। तो दो अमाउंट पे आपको एडजस्टमेंट दिए, प्लांट एंड मशीनरी पे जो ऑलरेडी हम टिक मार्क कर चुके हैं, और लैंड एंड बिल्डिंग पे भी दिया है। तो जहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है उसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। फर्नीचर है, देखो नंबर फोर क्या है, फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर कैश ₹60,000। तो फर्नीचर को भी हाईलाइट कर लेते हैं, वहाँ पे भी एडजस्टमेंट हमें सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद इक्विटी शेयर्स वेयर इश्यूड एट अ कैश ऑफ ₹1। तो शेयर कैपिटल आपको दिया है, देखो सबसे ऊपर लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड, तो उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या, देखो 80,000 डिविडेंड वॉज पेड इन कैश। तो डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन दिए पर डिविडेंड तो यहाँ पे है ही नहीं, देखो पूरे बैलेंस शीट में। तो वो टिक मार्क कहाँ पे करेंगे, उसी एडजस्टमेंट पे, ताकि हमें याद रहे कि ये एडजस्टमेंट भी हमें सॉल्व करना है। एंड लास्ट देखो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग। तो आप जो फर्स्ट स्टेप में आंसर लिखने वाले हो नेट प्रॉफिट, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2009 वॉज ₹1,00,000। तो वो हम कहाँ पे लिखते थे, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला स्टेप देखो नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे ₹1,00,000 लिखेंगे। तो अभी वन बाय वन सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, हम देखना वहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड से। इक्विटी शेयर से हम कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट कहाँ पे करेंगे, फर्नीचर पे हम कंप्लीट कर लेंगे आंसर, एडजस्टमेंट के साथ पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट क्या लिखना पड़ेगा हमें, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल रिलेटेड तो एडजस्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, हमने टिक मार्क करके रखा है ऑलरेडी। और कौन सा एडजस्टमेंट है, देखो दैट इज ये वाला इक्विटी शेयर वेयर इश्यूड एट अ कैश ऑफ ₹1,00,000। अब बैलेंस देखो कितना शो कर रहा है, कि पहले 2,00,000 था, फिर कितना होगा 3,00,000। तो डायरेक्टली भी आपको पता चल सकता है कि इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल करके जो बैलेंस इंक्रीज हुआ है वो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में +₹1,00,000 लिखना है। पर याद रखना स्टूडेंट, जब आपको एडजस्टमेंट दिया हो तब आपको एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, इवन दो आपको आंसर डायरेक्टली पता चल जाता है। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम स्टूडेंट। तो लिए यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देखो इसी तरह से आएगा, लायबिलिटी साइड ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा डेबिट साइड। अगर असेट साइड का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस उसका था वहाँ पे दैट इज 2,00,000 और क्लोजिंग बैलेंस था दैट इज 3,00,000। अब एडजस्टमेंट क्या है, देखो ऊपर वहाँ पे एडजस्टमेंट है, ये रहा इक्विटी शेयर्स वेयर इश्यूड एट अ कैश ऑफ ₹1,00,000। तो जनरल एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट किया आपने, जर्नल एंट्री की मैंने, देखो ₹1,00,000 के इक्विटी शेयर्स इश्यू किए, तो एंट्रीज क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कैश आया किस वजह से, शेयर कैपिटल इश्यू किया, तो लिखेंगे यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल ₹1,00,000 प्लस में रखेंगे क्योंकि इश्यू कर रहे कैश आ रहा है। और सेकंड क्या किया हमने, सेकंड एंट्री कौन सी की, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट जो शेयर कैपिटल इश्यू किया उसका, तो यहाँ पे लिखेंगे ₹1,00,000। देखो दोनों साइड का बैलेंस आपका टैली कर रहा है, 3,00,000 3,00,000 दोनों साइड आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट था ये, फर्स्ट हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखो क्या है, लॉन्ग टर्म लोन ₹1,00,000 और ₹1,00,000। अब देख सर ये कैसे लिखेंगे हम, तो बैलेंस स्टूडेंट चेंज ही नहीं हो रहा, तो फिर लिखने की क्या ज़रूरत है। देखो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, ड्यूरिंग द ईयर जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो डिफरेंस लिखते थे। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म लोन पहले भी ₹1,00,000 का था 2008 वाले ईयर में, और उसके बाद 2009 में भी 1,00,000 है। तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा, तो हमें ऐसी बातें क्या करनी है, इग्नोर करनी है। हाँ, अगर प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर के बैलेंस में कुछ डिफरेंस आ रहा है तभी तो हम लिखेंगे। देखो यहाँ पे 2,00,000 था फिर 3,00,000 हुआ, इसलिए हमने उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट उसकी एंट्री की।
अब लॉन्ग टर्म लोन पहले भी 1 लाख था, अभी भी 1 लाख है। तो ना तो आपने ज़्यादा लोन लिया ड्यूरिंग द ईयर तो कैश आया नहीं, या फिर ड्यूरिंग द ईयर रीपेमेंट भी नहीं किया लोन का तो कैश गया भी नहीं। तो जब सेम बैलेंस हो प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर में, तो ऐसे ही अमाउंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इग्नोर करना पड़ेगा। बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर के बैलेंस का जो डिफरेंस होता है वो लिखते हैं। उसके बाद देखो क्रेडिटर्स, तो 1,50,000 थे, फिर कितने हो गए 2 लाख, तो करंट लायबिलिटीज 50,000 से इंक्रीज हुआ है। तो एड साइड लिखते थे यहाँ पे, देखो तो लिखेंगे यहाँ पे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स दैट इज 2 लाख, वेट यस 2 लाख और 1,50,000 दिए, तो 2 लाख माइनस 1,50,000, तो आउटर कॉलम में लिख देते हैं 50,000। नेक्स्ट उसके बाद देखो बिल्स पेबल 2 लाख था, फिर कितना होगा 3 लाख, तो वंस अगेन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ है। और लायबिलिटीज इंक्रीज हुए तो हम एड साइड लिखते हैं एज पर द फॉर्मेट, तो लिखेंगे यहाँ पे इंक्रीज इन बिल्स पेबल, अमाउंट डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 1 लाख। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है आपको पता है ऑलरेडी, तो बार बार यहाँ पे हम रिवाइज नहीं कर रहे कि 2 लाख और 3 लाख, तो 1 लाख हमने डिफरेंस लिख दिया। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग देखो यहाँ पे क्या है, 20,000 ड्यूरिंग द ईयर है। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको एक नोट्स लिखवाया था स्टूडेंट, याद करो रिटेन अर्निंग के प्रॉफिट के 2 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं वो वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देखो कि जो प्रॉफिट होता है उसके क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं स्टूडेंट। एक क्या होता है कि आप एज अ रिटेन अर्निंग रखते हो, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, दैट इज आप एज अ डिविडेंड पे कर देते। तो प्रॉफिट के 2 पार्ट होते हैं। कि अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, कि रिटेन अर्निंग एंड डिविडेंड दोनों का पेमेंट करोगे इसके हिसाब से होगा। तो प्रॉफिट के मेजर 2 पार्ट होते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है तो उसमें से कंपनी क्या करेगी, कि कुछ प्रॉफिट का पोर्शन शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में दे देंगे, उनको कंट्रीब्यूट करेगी, और कुछ प्रॉफिट का पोर्शन वो अपने पास रिटेन रखेगा, दैट इज रिटेन अर्निंग, जो अर्निंग किया वो कंपनी ने रिटेन रखा मतलब अपने पास रखा। तो प्रॉफिट के 2 पार्ट होते हैं, रिटेन अर्निंग एंड डिविडेंड। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी तो लिखना है स्टूडेंट, ऊपर सबसे फर्स्ट वाले कॉलम में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट इज नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको रिटेन अर्निंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, दैट इज ड्यूरिंग दियर रिटेन अर्निंग कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ पे देखो 1,80,000 एंड 2 लाख, ड्यूरिंग दियर रिटेन अर्निंग कितना इंक्रीज हुआ 20,000। तो अगर मुझे डिविडेंड ड्यूरिंग दियर कितना पे किया गया है वो आंसर मिल जाए, तो मैं ये नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर फाइंड आउट कर सकता हूँ इजीली। तो देखो एडजस्टमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, देखो एडजस्टमेंट नंबर 6 देखो, ₹80,000 डिविडेंड वॉज पेड इन कैश। देखो 2 आंसर मिल गए, ड्यूरिंग द ईयर रिटेन अर्निंग कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज 20,000, और ड्यूरिंग दियर डिविडेंड कितना पे हुआ 80,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा ड्यूरिंग दियर, दैट इज 1 लाख। देखो कितना सिंपल है, रिटेन अर्निंग एंड डिविडेंड का टोटल मिला के क्या बनता है, दैट इज प्रॉफिट। तो 1 लाख यहाँ पे आंसर आ गया आपका। अब देखो यही 1 लाख आपको एडजस्टमेंट में प्रोवाइड किए गए, देखो ये रहे क्या लिखा है यहाँ पे नंबर 7 देखो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग March 2009 वॉज ₹1 लाख। तो यही 1 लाख आपको प्रोवाइड किया गया, पर अभी हमने क्या किया स्टूडेंट, वो फाइंड आउट किया कि अगर एडजस्टमेंट में नहीं देते तो हम इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते थे, पर एडजस्टमेंट में दिया है और कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। पता चल इसमें नंबर 7 नहीं दिया होता तो हम क्या करते, तो आपको 2 इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया है, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होता तो सिंपली आप क्या कर दे कि दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर लिख देते। पर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया है, नेट प्रॉफिट एडजस्टमेंट नंबर 7 में दे दिया डायरेक्टली, अगर वो भी नहीं दिया होता तो वंस अगेन थर्ड ऑप्शन क्या है कि यू कैन फाइंड बाय एडिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड क्या ऐड करना है दूसरा आपको, डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर जो रिटेन अर्निंग इंक्रीज हुआ है वो। तो उसी तरह से आप नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो जो एडजस्टमेंट नंबर 7 में आपको डायरेक्टली गिवन है, अगर नहीं दिया होता तो भी आप फाइंड आउट कर सकते थे वो। नेक्स्ट उसके बाद देखो रिटेन अर्निंग का एंट्री हो गई स्टूडेंट यहाँ पे 1 लाख, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है
दैट इज यहाँ पे दो एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी, ये रहा देखो 80,000 प्लस 20,000, या फिर आप बोल सकते हो कि हमने लिखा है एज पर द एडजस्टमेंट नंबर 7, एडजस्टमेंट नंबर वेट, एडजस्टमेंट नंबर 7 में जो दिया है उसके हिसाब से लिखा है। नेक्स्ट उसके बाद देखो दैट इज लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब देखो कैश तो वो तो हमने लिख दिया और सबसे लास्ट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस करके। नेक्स्ट देखो उसके बाद क्या शुरू दैट इज स्टॉक, स्टॉक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं। अब स्टॉक इंक्रीज हुआ देखो 1,20,000 था, फिर कितना हो गया 1,90,000, 70,000 इंक्रीज हुआ, तो वो हम लेस साइड लिखते हैं। गोल्डन रूल्स भी मैंने बताए थे, लायबिलिटीज इंक्रीज हो तो प्लस, डिक्रीज हो तो माइनस, असेट्स इंक्रीज हो तो माइनस, असेट्स डिक्रीज हो तो प्लस करना है। तो यहाँ पे स्टॉक इंक्रीज हो रहा है मतलब असेट्स इंक्रीज, तो हम कहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज साइड। तो देखो यहाँ पे भी लिखना है इंक्रीज इन स्टॉक, दैट इज लिख देंगे डायरेक्टली यहाँ पे 70,000 डिफरेंस इन लिख रहे हैं हम। उसके बाद देखो क्या है दैट इज डेटर्स, तो डेटर्स भी देखो इंक्रीज हो रहे, 80,000 थे फिर कितने हो गए 1,20,000, 40,000 डेटर इंक्रीज है, तो वो भी एंट्री वहीं पे जाएगी, इंक्रीज इन डेटर्स 40,000। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद देखो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, चारों जो आपके असेट्स है उस पर एडजस्टमेंट सॉल्व करना शुरू है। तो गुडविल का सबसे पहले कंटिन्यू कर दे, देखो गुडविल क्या है 2 लाख और फिर कितना होगा 1,50,000, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर गुडविल का एडजस्टमेंट आई थिंक यहाँ पे भी था। देखो अब आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन देख के, देखो गुडविल ओपनिंग बैलेंस 2 लाख था, फिर करंट ईयर का बैलेंस कितना होगा 1,50,000, तो बाय डिफॉल्ट अगर ये एडजस्टमेंट नहीं बोलते कि अमोर्टाइजेशन किया है, राइट ऑफ किया है 50,000, फिर भी हम ऐसे ही लिखते। पर वन सेकेंड स्टूडेंट याद रखना कि अगर एग्जांपल में एडजस्टमेंट दिया है तो भले ही आपको डायरेक्टली पता चल जाए कि सर 50,000 राइट ऑफ करके और नॉन कैश एक्सपेंसेस में लिखना है, फिर भी उसका एडिशनल आपको अकाउंट क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा स्टूडेंट। ओके तो देखो यहाँ पे हम प्रिपेयर कर रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर किया यहाँ पे लिख देते हम गुडविल ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दैट इज 1,50,000। अब गुडविल राइट ऑफ कर दे तो अब स्टूडेंट आप एंट्री क्या करते याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू गुडविल अकाउंट, गुडविल रिटर्न ऑफ, तो गुडविल राइट ऑफ करने का मतलब क्या है कि कुछ गुडविल के अमाउंट का कुछ पोर्शन आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाके राइट ऑफ कर देते हैं। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती थी रूल्स के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू गुडविल अकाउंट 50,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले एंट्री में क्या करके नॉन कैश एक्सपेंडिचर करके कर लेंगे, बिकॉज गुडविल राइट ऑफ किया है 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो लिखेंगे यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ 50,000 और राइट ऑफ किया उतना ही अमाउंट गुडविल में से रिड्यूस करना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। तो वंस अगेन आंसर आपका टैली कर जाएगा दोनों साइड, देखो दैट इज 2 लाख और यहाँ पे भी आंसर आएगा आपका दैट इज 2 लाख। नेक्स्ट उसके बाद क्या देखो दैट इज ये वाला प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी पे दो एडजस्टमेंट सुन, तो दो एडजस्टमेंट कौन से पहले रीड करते ध्यान से सुनना। अ मशीन हैज़ बीन सोल्ड फॉर ₹15,000 ड्यूरिंग द ईयर, ₹15,000 का मशीनरी सेल किया है, द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन, मतलब उस जो मशीन सेल हुआ है उस मशीन के रिटर्न डाउन वैल्यू कितने 40,000 थे एंड ₹20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द सेम, और उस पर 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो अभी सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। एंड और एक एडजस्टमेंट क्या, प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज इन कैश
₹1,40,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग। तो अभी लैंड एंड बिल्डिंग का रहने देते हैं, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट कि जब भी एडजस्टमेंट सॉल्व करना हो और एडजस्टमेंट हो तो यहाँ पे आपको एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर किया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, ओपनिंग बैलेंस कितना है प्लांट एंड मशीनरी का 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना है दैट इज 2 लाख, तो वो लिख देते हैं एज अ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 2 लाख। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो प्लांट एंड मशीनरी पे कि जो सिंपल एडजस्टमेंट है, 2-3 एडजस्टमेंट उसके रिलेटेड है, तो सिंपल वाला एडजस्टमेंट है वो पहले क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज इन कैश ₹1,40,000। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, जर्नल एंट्री क्या होगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जो सिंपल वाला एडजस्टमेंट है वो पहले सॉल्व करके हम उसी अकाउंट में उसके एंट्री करें। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, तो लिखा ही है अंदर के कैश से परचेस किया है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट भी नहीं लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,40,000 1,40,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,40,000। अब दूसरे एंट्री कहाँ पे करनी है, कैश पेमेंट भी तो हुआ है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे यहाँ पे दैट इज परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, माइनस में लिखना पड़ेगा 1,40,000। तो जो सिंपल एडजस्टमेंट था प्लांट एंड मशीनरी रिलेटेड एडजस्टमेंट नंबर 3 वो हमने सबसे पहले सॉल्व कर लिया यहाँ पे। देखो ये वाला प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज इन कैश ₹1,40,000। दूसरा जो है उसी में वो लैंड एंड बिल्डिंग रिलेटेड है तो बाद में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, अ मशीन हैज़ बीन सोल्ड फॉर ₹15,000, ₹15,000 का मशीनरी सेल किया है, तो यहाँ पे एंट्री किस तरह से आएगी, देखो अगर आप एंट्री करोगे उसकी तो सबसे पहले किस तरह से एंट्री उसकी आएगी, जर्नल एंट्री में लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसके साइड में लिख रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखो तो मशीनरी ₹15,000 की मशीनरी सेल की है, तो कैश या बैंक में पैसे आएंगे, तो सबसे पहले एंट्री होगी कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट और अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे दैट इज 15,000। फिर देखो क्या लिखा है, द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन, तो उस मशीनरी की ओवरऑल वैल्यू कितनी थी, देखो कंपनी ने सेल किया 15,000 पर उसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी थी दैट इज 40,000, तो वो क्या है उसका बुक वैल्यू दिया है यहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू के डेप्रिसिएशन रिड्यूस करने के बाद। तो यहाँ पे अगर आप प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट करना चाहते हो तो वो टोटल अमाउंट से कितना करना पड़ेगा दैट इज 40,000 से, क्या उसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी थी 40,000। नेक्स्ट उसके बाद देखो एंड ₹20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द सेम, तो जो मशीनरी सेल की आपने 40,000 की मशीनरी कंपनी ने कितने रुपीज़ में सेल कर दी 15,000 में, अब ये 40,000 वाली जो मशीनरी थी उस पर ड्यूरिंग द डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ था दैट इज 20,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दैट इज अमाउंट 20,000। तो यहाँ पे देखो क्या है, 40,000 की प्लांट एंड मशीनरी का एक पार्ट आपने सेल किया 40,000 रुपीज़ का, 15,000 में सेल किया, ड्यूरिंग ईयर उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 20,000, तो भी यहाँ पे देखो 35,000 बन के आ रहे हैं। देखो स्टूडेंट क्यों, बिकॉज देखो 40,000 की मशीनरी थी तो 40,000 रुपीज़ पूरे मिल जाते हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता, तो चलो 40,000 की मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर यूज़ की थी तो 20,000 तो उस पर डेप्रिसिएशन लगा था, वो अलग बात है, तो 20,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, 15,000 मिल गए, फिर भी 5,000 तो नहीं मिले कंपनी को, तो वो क्या होगा लॉस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल, या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखो स्टूडेंट तो क्या है कि अगर एंट्रीज में डेबिटिंग बैलेंस यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस वाला तो लॉस होगा, अगर यहाँ पे 45,000 आते तो यहाँ पे हम क्या करते प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी करके 45,000 यहाँ पे 5,000 लिख देते, पर यहाँ पे 40,000 है यहाँ पे 35,000, तो रिमेनिंग 5,000 डेबिट साइड बैलेंस अमाउंट आ रहा है तो दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी।
तो अभी तक मैंने सिर्फ जर्नल एंट्री की, अभी और जर्नल एंट्रीज करना बाकी है। देखो कि 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया उस पर, तो उसके हिसाब से देखो एंट्रीज क्या होगी। वन बाय वन एंट्रीज कर रहे हम कि सबसे पहले सर कैश अकाउंट डेबिट किया, तो कैश अकाउंट डेबिट क्यों किया, बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी सेल किया। तो प्लांट एंड मशीनरी सेल करने से जब भी कैश आएगा कंपनी में, तो वो हम कहाँ पर लिखते थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो लिखेंगे यहाँ पे दैट इज सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने रुपीज आए, 15,000। एंट्री नंबर टू, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन भी तो कैलकुलेट किया ओवरऑल 20,000। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, एज ए नॉन कैश एक्सपेंडिचर लिखते थे हम यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20,000। फिर देखो क्या लिखा, दैट इज लॉस। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, देखो ये रही लॉस ऑन सेल ऑफ, तो ये क्या है, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है। तो याद करो फॉर्मेट मैंने लिखवा था आपको कि लॉस हो तो आप क्या करते हो, एज ए नॉन कैश एक्सपेंडिचर करके ऐड कर देते हो, प्रॉफिट हो तो नॉन कैश इनकम वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम करके आप क्या कर देते हैं, यहाँ पे लेस कर देते हैं। तो लॉस भी यहीं पे आएगा, दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 5,000 रुपीज़ का लॉस। तो लॉस ऐड कर देना है, अगर प्रॉफिट होता फिक्स सेल करके तो यहाँ पे लेस लिखते हैं यहाँ। उसके बाद देखो क्या है, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 40,000 से क्या हुआ यहाँ पे, दैट इज आपको एंट्री करनी है। तो फर्स्ट क्या है, बाय कैश, तो अब सारी एंट्री देखो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में 40,000 क्रेडिट किया, तो वन बाय वन उसकी सारी एंट्रीज करनी पड़ेंगी हमें यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि वन बाय वन सारी एंट्रीज करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, तो टोटल 40,000 मुझे लिखने हैं, वो सही है, पर क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पे कि लेजर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। क्या सबसे पहले देखो बाय कैश क्यों, बिकॉज सेल किया था, तो इसकी वजह से हम कितना क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पे, 15,000। फिर दूसरा क्या था यहाँ पे, 40,000 में बाय लॉस ऑन सेल, वो लॉस गया इसकी वजह से हम कितना क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज 5,000। और एक क्या था यहाँ पे, दैट इज बाय डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन की वजह से हम कितना कर रहे हैं वहाँ पे, दैट इज 20,000। तो देखो 40,000 ही मैंने लिखे, पर एक साथ नहीं लिख सकते, रूल्स के अकॉर्डिंग लेजर्स के रूल्स होते हैं कि इन स्पेसिफिक हमें बताना पड़ेगा कि 40,000 क्रेडिट हुआ तो किस वजह से हुआ। तो 15,000 का सेल कर दिया है, 5,000 का लॉस हो गया है, और 20,000 डेप्रिसिएशन का, तो 40,000 ओवरऑल लिखे। तो मैंने कुछ किया नहीं यहाँ पे स्टूडेंट, पूरा एडजस्टमेंट रीड करके उसकी जर्नल एंट्री की, और वही जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, अलग अलग जगह पे उसके इफेक्ट दिए। देखो डेबिट में इफेक्ट क्या दिया, कैश आ रहा है, क्यों कैश आ रहा है, बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी सेल हो रही है, तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी करके 15,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिख दिए, उससे मशीनरी पे 20,000 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, तो डेप्रिसिएशन मैंने 20,000 नॉन कैश एक्सपेंडिचर में लिख दिया, उसी मशीनरी को सेल करते वक्त लॉस हुआ, तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दैट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हम ऐड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तो वो लिख दिया। एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, तो तीनों 15,000 20,000 एंड 5,000 मैंने क्रेडिट साइड यहाँ पे लिख दिया। देखो जर्नल एंट्री आप कर लो के एडजस्टमेंट रीड करके, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जर्नल एंट्री नहीं आती तो फिर आपके लिए थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो अभी नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग में कितना दिया, देखो 2,00,000 एंड 4,00,000, तो ओपनिंग उसका भी एडजस्टमेंट हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो लैंड एंड बिल्डिंग वाला एडजस्टमेंट भी हम सॉल्व करेंगे। वेट okay. तो लैंड एंड बिल्डिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले, तो 2,00,000 एंड 4,00,000, तो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं यहाँ पे। देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, ओपनिंग बैलेंस दैट इज 2,00,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस दैट इज 4,00,000। अब एडजस्टमेंट देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या एडजस्टमेंट है। देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 3 में
लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ₹2,60,000। यहाँ पे अमाउंट स्टूडेंट कितना है, 2,60,000। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 60,000, वो थोड़ा फॉर्मेटिंग की वजह से इस तरह से हो गया है, पर समझ लेना वहाँ पे कि लैंड एंड बिल्डिंग। अब क्या बात करें परचेज करने के, देखो पूरा एडजस्टमेंट रीड करो। प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज इन कैश ₹1,40,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ₹2,60,000। तो 2,60,000 रुपीज़ का लैंड एंड बिल्डिंग भी ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है कैश में। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, सिंपल है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्या होगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हमें प्रिपेयर किया, उसके डेबिट साइड लिखेंगे हम यहाँ पे, वेट देखो यहाँ पे डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश, लिखेंगे यहाँ पे कैश में दैट इज कितने रुपीज का, 2,60,000 का परचेज किया लैंड एंड बिल्डिंग में। तो कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,60,000 टू कैश अकाउंट। तो लैंड एंड बिल्डिंग सेल करने से कैश पे करना पड़ रहा है, तो वो कहाँ पे लिखते हैं हम, दैट इज यहाँ, तो लिखेंगे यहाँ पे सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करने से कैश पे करना पड़ रहा है, तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे यहाँ पे दैट इज 2,60,000 और वो भी माइनस बिकॉज कैश जा रहा है कंपनी में से पे कर रहे हैं, तो 2,60,000 माइनस लिख दे मैंने यहाँ पे। उसके बाद देखो क्या है, अभी लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट पूरा सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट, तो अभी वो अकाउंट भी हम क्या करेंगे क्लोज कर देंगे बिकॉज एक ही एडजस्टमेंट था उस पर। तो ओवरऑल देखो कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 4,60,000 और यहाँ पे कितना आंसर आएगा, वन सेकेंड 4,60,000। अब ध्यान देना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, 4,60,000 में से अगर डिफरेंस अमाउंट निकालोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 60,000। अब याद करो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी कोई फिक्स असेट्स अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंसिंग अमाउंट आता है, क्रेडिट साइड बैलेंसिंग अमाउंट आता है, यहाँ पे कितना आ रहा है 60,000, तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो ड्यूरिंग देयर आपने सेल किया होगा, या तो फिर ड्यूरिंग देयर आपने क्या किया होगा उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया होगा, ड्यूरिंग देयर आपने क्या किया होगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया होगा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट एडजस्टमेंट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन ₹80,000 डेप्रिसिएशन टोटल है सारे फिक्स असेट को मिला के, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे। तो अभी 80,000 में से हमने देखो 20,000 तो यहाँ पे लिख दिया है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड 20,000। तो अभी आपका ये 60,000 आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट, दैट इज योर डेप्रिसिएशन, जो 80,000 का आंसर था उसमें से 20,000 प्लांट एंड मशीनरी पे आप लिख चुके देखो यहाँ पे। तो अभी रिमेनिंग क्या आएगा कि 3 ही फिक्स असेट है, देखो यहाँ पे 3 ही फिक्स असेट है, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, 3 ही असेट्स है यहाँ पे। तो क्या होगा कि डेप्रिसिएशन तीनों में से कोई तीनों असेट्स पे हो सकता है, 80,000 ओवरऑल आपको दिया है। देखो एडजस्टमेंट नंबर वन क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन 80,000, तो ओवरऑल 80,000 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है तीनों असेट्स का मिला के, प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। तो अभी 20,000 डेप्रिसिएशन तो आप लिख चुके हो वहाँ पे, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी पे, देखो यहाँ पे ये रहा डेप्रिसिएशन 20,000। तो अभी 60,000 अगर यहाँ पे आप लिख दिए तो बाय डेप्रिसिएशन 60,000, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो टोटल 80,000 आपका डेप्रिसिएशन हो गया कैलकुलेट। तो वंस अगेन सर, ऐसा जरूरी तो नहीं कि प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग का मिला के ही 80,000 करना है, आप फर्नीचर पे तो कैलकुलेट कर सकते हो, पर देखो यहाँ पे हमारा आंसर टैली कर रहे हैं तो दोनों का मिला के हम लिख देते हैं। फर्नीचर में भी हम देखेंगे अगर उसमें बैलेंसिंग अमाउंट क्रेडिट साइड आ रहा है तो उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, सेल कंसिडर कर लेंगे, पर अभी 80,000 ओवरऑल हमारा आंसर यहाँ पे टैली कर रहे हैं। तो 80,000 आपको नॉन ऑपरेटिंग सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में 80,000 ये टोटल डेप्रिसिएशन दिया था, तो उसका मतलब क्या है कि वो 20,000 किसका था, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी का था, और 60,000 किसका था, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग का। तो अब ये हमें लिखना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग वाला, तो देखो लिख देते यहाँ पे दैट इज
डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज 60,000। या फिर स्टूडेंट आपके पास ऑप्शन क्या, देखो ये एडजस्टमेंट नंबर वन रीड करोगे, सर इसकी एंट्री तो आपने करवा ही नहीं हमें, तो अब इसकी एंट्री करनी भी नहीं। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन 80,000, तो वो हमने एडजस्टमेंट से फाइंड आउट कर लिया कि उसमें 20,000 प्लांट एंड मशीनरी पे था एंड लैंड एंड बिल्डिंग पे 60,000 था, तो आपने 80,000 की एंट्री कर ली स्टूडेंट इंडिविजुअली। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या था कि यहाँ पे मैं लिखता डेप्रिसिएशन, देखो यहाँ पे मिलता डेप्रिसिएशन, फिर यहाँ पे क्या करता 60,000 प्लस 20,000 और यहाँ पे 80,000 लिखता, और जो मैंने इंडिविजुअल एंट्री की है 60,000 20,000 वो मैं यहाँ पे नहीं लिखता। देखो अगर एडजस्टमेंट नंबर वन हम पहले सॉल्व कर दे तो इस तरह से लिख देते कि 80,000 डेप्रिसिएशन है तो वो 60,000 एंड 20,000 वाला अमाउंट का ही है, तो अभी मैंने इंडिविजुअल एंट्री की है तो ये एंट्री हम नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन फिर दो बार मत लिख देना क्योंकि जो एडजस्टमेंट नंबर वन में डेप्रिसिएशन दिया दैट इज़ ओवरऑल डेप्रिसिएशन सारे फिक्स एसेट का मिला के, हमने इंडिविजुअल भी तो फाइंड आउट किया प्लांट एंड मशीनरी पे 20,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग पे 60,000। अब सर फर्नीचर में भी तो डेप्रिसिएशन आएगा, तो अब नहीं आएगा, अभी अगर फर्नीचर में बैलेंस अमाउंट क्रेडिट चल रहा है तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे सेल, क्यों, बिकॉज ड्यूरिंग देयर 80,000 ही डेप्रिसिएशन लिखना था और वो तो हम प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग पे लिख चुके, तो अभी डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट सॉल्व करते देखो क्या है, फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर ₹60,000 का फर्नीचर सेल किया है, तो अभी देखो वहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिखा है आपको वो भी पता चलेगा फर्नीचर वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करने से। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं हम फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का कितना दिया आपको दैट इज 70,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया दैट इज 10,000। अब फर्नीचर सेल किया तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, तो सेल ऑफ फर्नीचर करके यहाँ पे लिखेंगे लिख देते यहाँ पे दैट इज सेल फर्नीचर दैट इज 60,000 का सेल। अब सेल करने से कैश आएगा तो वो अमाउंट हम क्या रखेंगे स्टूडेंट प्लस में रखेंगे वो अमाउंट 60,000 वाला। अब दूसरा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे सेल, यहाँ पे लिखेंगे हम दैट इज 67। तो देखो यहाँ पे तो आंसर आपका टैली होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का कोई मीनिंग ही नहीं है बिकॉज डेप्रिसिएशन वो दोनों फिक्स एसेट पे ही था उसका मतलब, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो 60,000 है वो तो बाय डिफॉल्ट सेल्स लिखा है, तो इसीलिए देखो डेप्रिसिएशन की दो एंट्री कहाँ पे हो गई, 60,000 वाली यहाँ पे और 20,000 वाली यहाँ पे, और फर्नीचर पे तो कोई डेप्रिसिएशन था ही नहीं, क्यों, बिकॉज 70,000 का डेप्रिसिएशन था और ड्यूरिंग दियर 60,000 का सेल कर दिया और आपका बैलेंस अमाउंट यहाँ पर 10,000 क्लोजिंग बैलेंस तो दिखा ही था, तो ये देखो आंसर टैली हुआ, तो बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पे निकल ही नहीं रहा। अगर बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पे निकल रहा होता तब हमें डिसाइड करना था कि सेल है या डेप्रिसिएशन, पर यहाँ पे 60,000 सेल ऐसा लिख के दिया है तो डेप्रिसिएशन ओवरऑल जो 80,000 था वो किसका था दैट इज 60,000 लैंड एंड बिल्डिंग का एंड 20,000 प्लांट एंड मशीनरी का, वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अभी उसके बाद देखो क्या है, फर्नीचर सॉल्व हो गया पूरा, यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट बाकी नहीं, देखो अब एक एडजस्टमेंट बाकी रहेगा जो हमें सॉल्व करना अलग से, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल हम सॉल्व कर चुके एडजस्टमेंट नंबर वन, तो देखो सी एडजस्टमेंट नंबर सिक्स, तो 80,000 डिविडेंड वॉज पेड इन कैश, तो डिविडेंड पे कैश तरह से होता है प्रॉफिट में से, तो जर्नल एंट्री क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो प्रॉफिट में डिविडेंड वापस ऐड करना है तो वो भी नहीं करना है छोड़ना, देखो यहाँ पे आप ऐड कर चुके हो 80,000 प्लस 20,000, तो ये 80,000 किसके डिविडेंड के, वेट देखो ये 80,000 डिविडेंड के, तो वापस ऐड नहीं करना है पर पे किया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो लिख रहे हैं यहाँ पे देखो दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड माइनस पे लिखेंगे 80,000। तो कोई स्टूडेंट पूछे कि सर आपने तो यहाँ पे एक ही एंट्री की 80,000 की, तो देखो यहाँ पे हम एंट्री कर चुके हैं 1,00,000 लिखा है उसमें 80,000 ऐड है इसलिए वो एंट्री स्किप, और सर ये एंट्री स्किप क्योंकि आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन 80,000 तो वो भी हम लिख चुके, देखो यहाँ पे 20,000 यहाँ पे और 60,000 यहाँ पे,
तो दो बार 80,000 लिखोगे तो 1,60,000 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एंट्री हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी कुछ अमाउंट में हमने लिखी हुई थी। तो अभी देखो पूरा एडजस्टमेंट पूरा एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे उसका टोटल करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये अमाउंट आउटर कॉलम में निकालते इज इक्वल टू आंसर आ रहा है 1,35,000। फिर उसमें ये अमाउंट ऐड करना है तो 1 लाख प्लस 1,35,000 तो आंसर आएगा 2,35,000। कोई अमाउंट नहीं है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ज़ीरो। तो वंस अगेन आंसर आएगा दैट इज 2,35,000। उसके बाद देखो ऐड सेट कितना टोटल है दैट इज 50,000 एंड 1 लाख। तो आउटर कॉलम में अमाउंट निकालते इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1 लाख। तो 1,50,000। फिर देखो प्रीवियस स्टेप का आंसर 2,35,000। उसके बाद लेफ्ट साइड क्या लिखा है, ऐड लिखा, तो वो उसको ऐड करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो इज इक्वल टू 2,35,000 प्लस 1,50,000। तो आंसर आ रहा है 3,85,000। फिर लेस वाला टोटल आउटर कॉलम में निकालते देखो इज इक्वल टू 70,000 प्लस 40,000। तो आंसर आ रहा है 1,10,000। फिर देखो प्रीवियस टाइप का आंसर 3,85,000। फिर यहाँ पे क्या लिखा है लेस, तो ये आउटर कॉलम में अमाउंट है उसमें उसको माइनस करना है उसमें। तो इज इक्वल टू 3,85,000 माइनस 1,10,000। तो आंसर आ रहा है 2,75,000। और इनकम टैक्स पेड तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं यहाँ पे, तो क्या करना है ज़ीरो लिख देना है और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और वो भी इनफ्लो होगा दैट इज़ 2,75,000। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी का आंसर। उसके बाद ये एक्टिविटी का आंसर डायरेक्टली यहाँ से लिख देते देखो सम टोटल कर लेते इसका, तो आंसर कितना रहा देखो 3,25,000 माइनस। तो अब माइनस आ रहा है तो यहाँ पे हम आउटफ्लो नहीं इनफ्लो नहीं हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दैट इज़ आउटफ्लो। तो आउटफ्लो लिख दिया 3,25,000 माइनस आंसर आ रहा है इसलिए। एंड लास्ट क्या है देखो 1,80,000, तो उसका भी डायरेक्टली आंसर यहाँ कैलकुलेट कर लेते तो इज इक्वल टू सम तो 20,000 प्लस आ रहा है। तो आउटफ्लो नहीं लिख सकते, प्लस आंसर आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम दैट इज इनफ्लो। अब तीनों का टोटल कर रहे देखो इज इक्वल टू सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे 2,75,000 प्लस 3,25,000 प्लस वेट इज इक्वल टू 2,75,000 प्लस 3,25,000 प्लस 20,000। तो आंसर देखो स्टूडेंट आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 30,000 माइनस आंसर आ गया देखो यहाँ पे। और यही आपका आंसर क्या देखो टैली कर रहा है 30,000 माइनस है तो यहाँ पे भी क्या है 60,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 30,000। तो ये देखो स्टूडेंट इस तरह का एग्जांपल अगर आता है तो बहुत ही सिंपल है।